हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं सिंथेटिक फाइबर्स के चैप्टर का पूरा नाम। हमने इस चैप्टर का पूरा नाम क्या किया था? सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। हमने फाइबर्स की स्टडी करी, हमने सारे फाइबर्स को पढ़ लिया, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़े, फिर हमने उसके डिफरेंट चार काइंड के फाइबर्स की स्टडी करी। अब बात आती है चैप्टर के दूसरे पार्ट की, विच इज प्लास्टिक। तो आज के वीडियो लेसन में हम प्लास्टिक को पढ़ेंगे। चलिए, तो अगर प्लास्टिक पढ़ना है तो प्लास्टिक को मेजर हेडलाइन दे दी जाए। प्लास्टिक, प्लास्टिक क्या है? हम सब एग्जांपल्स दे देते हैं। प्लास्टिक भी एक तरह का सिंथेटिक फाइबर ही है। इट इज आल्सो अ काइंड ऑफ सिंथेटिक फाइबर, क्योंकि इसको हम लैबोरेटरी के अंदर बनाते हैं और इसको बनाने के लिए जो मेजर रॉ मटेरियल है वो वही है हाइड्रोकार्बन्स, कोयला वगैरह, पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल ऑरिजिन का। तो इसीलिए प्लास्टिक भी एक सिंथेटिक फाइबर ही है। देखो बच्चों, प्लास्टिक बनाते टाइम पे जैसे फाइबर्स जब हम बनाते हैं, हमने पहले वीडियो लेसन में देखा था कि पॉलीमर और मोनोमर करके दो यूनिट्स हैं। तो सिंथेटिक फाइबर्स के केस में भी जो पॉलीमर्स बनते हैं वो दो तरह से बनते हैं। ये एक लीनियर पॉलीमर चेन है और दूसरी जो पॉलीमर चेन है वो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर चेन कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर में बहुत सारे क्रॉस लिंकेज प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो इसको हम कहते हैं क्रॉस लिंक पॉलीमर चेन, जब आपस में बहुत सारी लीनियर चेन्स मिक्स्ड अप हो जाए। ये है लीनियर पॉलीमर चेन एंड दिस इज क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर चेन। दोनों ही तरीके से प्लास्टिक्स बनाए जाते हैं, लीनियर से भी बनते हैं और क्रॉस लिंक्ड से भी प्लास्टिक्स बनते हैं। इन दोनों के बेसिस पर प्लास्टिक्स की दो कैटेगरीज हैं। एक को हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक और दूसरे को हम कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। चलिए इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखते हैं। थर्मोप्लास्टिक एंड सेकेंड वन इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक जो होता है बच्चों, वो जब बनता है तो उसके अंदर में मेनली लीनियर चेन होती है। इट इज मेड अप ऑफ लीनियर चेन, इट इज मेड अप ऑफ लीनियर लिंकेज, लीनियर लिंकेज और बहुत हल्का कभी कभार एंड वेरी लाइट क्रॉस लिंक लिंकेज एंड लाइट क्रॉस लिंक, लाइट क्रॉस लिंक। ओके, और जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है वो क्रॉस्ड लिंक लिंकेज से बना होता है। थर्मोप्लास्टिक जो होता है, थर्मोप्लास्टिक को डीफॉर्म हो सकता है। इफ हीटेड इट कैन बी डीफॉर्म, इफ इट हीटेड, इफ इट गेट्स हीटेड इट डीफॉर्म, इट डीफॉर्म, वो अपनी शेप बदल देता है। ठीक है, और जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, इट वंस मोल्डेड कैन नॉट बी डीफॉर्म, वंस मोल्डेड कैन नॉट बी डीफॉर्म, कैन नॉट बी डीफॉर्म, इसको हम डीफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको एक बार बना लिया तो हम उसको डीफॉर्म नहीं कर पाएंगे। थर्मोप्लास्टिक को हम डीफॉर्म कर सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल होता है जैसे पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन, ये सब जो है ये थर्मोप्लास्टिक्स हैं। और थर्मोसेटिंग के अंदर बेकेलाइट, मेलामाइन, ये जो दो प्लास्टिक्स हैं ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। बेकेलाइट बच्चों कहाँ यूज होता है? जो हमारे घरों में स्विच बोर्ड्स होते हैं वहां पर बेकेलाइट का यूज होता है। स्विच बोर्ड्स जो है वो किसके बने हैं? स्विचेस किसके बने हैं? बेकेलाइट के। और जो किचन के अंदर यूटेंसिल्स होते हैं, उनके जो हैंडल्स होते हैं, वो बने होते हैं मेलामाइन के। मेलामाइन जो होता है वो हीट रेजिस्टेंट होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तो उसको हमें पकड़ने से, उसको यूज करने से गर्म नहीं लगता किचन यूटेंसिल। तो ये हमने देखा थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में डिफरेंस। अब बात करते हैं हम प्लास्टिक की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। प्लास्टिक की चार या पांच प्रॉपर्टीज हैं, चलिए देखते हैं कौन कौन सी हैं। प्लास्टिक की सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि दे आर प्लास्टिक प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। पहली प्रॉपर्टी आती है थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी।
तो प्लास्टिक क्या थर्मल कंडक्टर है? नहीं, प्लास्टिक इज नॉट थर्मली कंडक्टर। तो प्लास्टिक में से हीट पास नहीं होती, तो हीट पास नहीं होगी तो इट कैन बी यूज टू एज अ इंसुलेटर, हम इसको यूज कर लेते हैं। तो प्लास्टिक थर्मल कंडक्टर नहीं होता है, तो उसकी वजह से प्लास्टिक को यूज कर लिया जाता है फॉर हीट रेजिस्टेंट। सेम वे प्लास्टिक जो होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी नहीं होता है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं होता है और इसलिए प्लास्टिक को यूज किया जाता है फॉर इंसुलेटर, एज अ पर्पज ऑफ इंसुलेटर जो है उसके लिए इसको हम यूज करते हैं। इट इज यूज्ड एज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर क्योंकि ये कंडक्टर नहीं होता। सॉल्युबिलिटी इन इंसुलेटर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। प्लास्टिक जो है वाटर इनसोल्यूबल होता है, ठीक है, वाटर इनसोल्यूबल। तो वाटर के अंदर, वाटर को हम इसमें स्टोर कर सकते हैं और मग्स बॉटल्स वो सब भी प्लास्टिक के बनाए जा सकते हैं। चौथी बात करें कि प्लास्टिक जो होता है रेजिस्टेंट टू केमिकल्स, प्लास्टिक को केमिकल से रेजिस्टेंट होता है, मतलब प्लास्टिक जो है वो किसी भी केमिकल का उस पर कोई असर नहीं होता, नॉन रिएक्टिव होता है। आप देख सकते हो नॉन रिएक्टिव टू दी केमिकल्स, केमिकल्स पे उसका कोई असर नहीं होता। तो इसी वजह से प्लास्टिक जो है उसको हम केमिस्ट्री लैब के अंदर भी बहुत सारे मटेरियल जो केमिकल्स होते हैं उनको स्टोर करने के लिए काम में लेते हैं। इसके अलावा जो प्लास्टिक है वो ड्यूरेबल होता है, चीपर होता है, ड्यूरेबल चीपर, थोड़ा एक्सपेंसिव कम होता है, तो इसके यूजेस भी बहुत ज़्यादा हो गए। अगर आप अपने डेली लाइफ देखें, अगर आप अपना डेली रूटीन देखें सुबह से लेकर शाम तक का, तो उसमें आप देखेंगे कि आप प्लास्टिक पर कितना ज़्यादा डिपेंडेंट है। एक तरीके से हमने वुड और मेटल्स को हट सब्स्टिट्यूट ढूंढ के, वुड और मेटल का हमने सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया है जो है प्लास्टिक। एक तरह से ठीक भी है कि इससे वुड के ऊपर या हमारे फॉरेस्ट के ऊपर थोड़ा बर्डन कम होता है, बट हमने अपने लिए एक और नई प्रॉब्लम क्रिएट कर ली, वो है प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक हाँ, ऑल दो बहुत उसकी प्रॉपर्टीज है, बहुत सारे उसके यूजेस है, बट उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वो डिकम्पोज नहीं होता, अपने आप से डिकम्पोज नहीं होता, और वो हमारे अर्थ पर एज ए डंप इकट्ठा होता जा रहा है। और वो प्लास्टिक अब अर्थ से, अर्थ के अंदर हम देखें अर्थ में, तो समुद्र के अंदर और सब जगह पे हमने प्लास्टिक वेस्ट क्रिएट कर दिया है। अब उसकी लिमिट इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब सी के अंदर में अगर आप देखें तो जो एनिमल्स हैं, एक्वाटिक एनिमल्स हैं, उनको ब्रीदिंग में, फूड फीडिंग के अंदर सभी चीज़ों में दिक्कत हो रही है। आप अपने आसपास भी देखें तो बहुत दिक्कत हो रही है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल होने की वजह से डिकम्पोज नहीं हो सकता और ये लंबा टाइम तक अर्थ पे हमारे साथ रहता है, तो उस वजह से आप बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है, तो उसको हमें बचाने की भी जरूरत है हमारी अर्थ को। तो प्लास्टिक से हम एकदम से हम प्लास्टिक खत्म भी नहीं कर सकते, बट हमें अपनी जो व्हाट डू यू से कि जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है रिगार्डिंग प्लास्टिक्स उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। हम उसको कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने 4R का एक वो रूल दिया है कि आप रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिफ्यूज। हम इन 4R के फिनोमिना को यूज करके हम प्लास्टिक को काफी हद तक, प्लास्टिक डंप जो है उसको उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। प्लास्टिक एज ए हार्म टू एनवायरनमेंट, प्लास्टिक एज ए हार्म टू एनवायरनमेंट। अगर इतना प्लास्टिक हो जाएगा सब जगह पे, पूरी अर्थ पे, तो हमारे लिए रहना मुश्किल हो जाएगा। प्लास्टिक का जो वेस्ट है वो डिकम्पोज नहीं होता, नॉर्मल जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है वो डिकम्पोज हो जाता है, तो उसके कोई नुकसान नहीं है, पर प्लास्टिक का वेस्ट तो डिकम्पोज नहीं होगा, तो उस वजह से हमें प्लास्टिक के यूजेस को मिनिमाइज करना होगा जितना हो सके, जहां तक हो सके। एज अ स्टूडेंट आप सब लोगों को एक इनिशिएटिव लेना चाहिए और प्लास्टिक के यूज को कम करने की शुरुआत करनी चाहिए। चलिए बच्चों, इस टॉपिक से हम अपना चैप्टर क्लोज करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे, सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स।